ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर से बहुत स्वागत है। भारत सरकार की तरफ से अंतरिम बजट पेश किया जाना है। बजट से सभी को उम्मीदें हैं और अंतरिम बजट को लेकर जबलपुर के लोगों को महंगाई से राहत की उम्मीदें हैं। अब सबकी नजर बजट पर है और बजट को लेकर एनडीटीवी ने जबलपुर में लोगों से बातचीत की है, सुनिए। फिर बजट आने वाला है, हालांकि यह अंतरिम बजट होगा क्योंकि अब चुनाव है। बहुत लोगों का कहना है कि अब चुनावी बजट होगा। हमारे साथ देश का 50% यानी 50% महिला आबादी है और लोगों को उम्मीद है कि इस बजट में महिलाओं के लिए बहुत कुछ मिलने की संभावना है क्योंकि वोट भी यहीं से आते हैं। हम आपसे कुछ महिलाओं से बात कर रहे थे। मैडम, ये बताइए आपका नाम क्या है और जो अब बजट आने वाला है इससे आपके क्या एक्सपेक्टेशन है? मैं डॉक्टर आराधना सिंह चौहान हूँ और इस सत्र में बजट से हम लोगों को बहुत सारी उम्मीदें हैं। सबसे ज़्यादा जो स्किल डेवलपमेंट, जो बच्चे ड्रॉप आउट्स होते हैं और उनको बेरोजगार हो जाते हैं, तो सरकार को स्किल डेवलपमेंट के लिए जो योजनाएं हैं उसको ज़्यादा से ज़्यादा फंडिंग दे करके उस योजनाओं को इम्प्लीमेंट करना चाहिए ताकि वो अपने पैरों पर खड़े हो सकें, बेरोजगारी हट सके। और दूसरा, मैं चाहती हूँ कि जो भी आप जितनी भी योजनाएं सरकार बनाती है वो जनरल कैटेगरी वालों के लिए रेट ऑफ़ इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा है, तो वो रेट ऑफ़ इंटरेस्ट का देखना पड़ेगा। क्योंकि और हमारे जो टैक्सेशन है, हम लोग जो सैलून रन करते हैं उसका टैक्स अननेसेसरी, हम लोग को पानी का टैक्स भी आता है, तो ये सब चीज़ें रेक्टिफाई करने तो हमें बहुत खुशी हो जाएगी। बताइए आप क्या चाहती हैं निर्मला सीतारमण जी से? मैं ये चाहती हूँ कि पेट्रोल इस समय बहुत महंगा हो रहा है, डीजल इस समय बहुत महंगा हो रहा है, व्हीकल्स बहुत प्रॉब्लम हो रही है, आगे चल के साइकिल में ट्रेवल करना पड़ेगा, इस कारण से थोड़ा बजट हर चीज़ से कम हो तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। अब तो ईवी आने वाली है, सरकार उसमें कुछ, उसके लिए आप कुछ बोलना चाहती हैं कि सरकार कुछ सब्सिडी दे, क्या करे, महंगी है अभी, क्या बोले? नहीं है। आप क्या चाहती हैं मैडम? सर, बिजली का बिल बहुत कॉस्टली उसका लग रहा हैगा, कमर्शियल अलग है, घर का अलग है, तो उसमें कुछ कमी होनी चाहिए, वो दिन ब दिन बढ़ते ही जा रहा है जी। अब तो मोदी सरकार सूर्योदय योजना लेके आ रही है आप जैसे लोगों के लिए। अब सरकार कहेगी कि आप अपने घर पे बहुत जल्दी रूफ टॉप सोलर पैनल लगा लें। अच्छा। मैडम क्या नाम है आपका, क्या कह? सर, मेरा नाम चाइना साहू है। जैसे मैम ने कहा है कि हमें बहुत उम्मीदें हैं बजट से, आई एम हाउस वाइफ, मैं हाउस वाइफ हूँ, तो मुझे जो राशन है हम लोग का जो फर्स्ट नीड खाना पीना ही है, तो वो आजकल दाल के रेट्स बहुत ज़्यादा हाई हो गए हैं, दाल है, चावल है, अपने जो डेली नीड्स है उसको थोड़ा कम करें, यानी सभी के लिए एक हेल्पफुल हो जाएगा, वो जो नॉर्मल कैटेगरी से लेकर हाई कैटेगरी तक के, ये जो सबसे ज़्यादा सफ़र तो नॉर्मल कैटेगरी ही करते हैं, जैसे OBC वाले हैं, जैसे मतलब बेचारे बीच में पिसते रहते हैं, और नॉर्मल जो लो कैटेगरी है। और हाउस आपका खुद का है कि आप बनवाने वाले हैं? सर, मैं अभी तो मैं रेंट से रहती हूँ, जैसे मैं रेंट से लेती हूँ, जो मुझे लोन चाहिए है, मैं अब घर बनाना चाह रही हूँ, तो मुझे लोन में भी प्रोसेस थोड़ा जो वुमेन के लिए है लोन इजीली मिल जाए, प्रोसेस जो रहती है बहुत डिफ़िकल्ट रहती है, हम लोग की कोई सुनता नहीं है जैसे, तो वो सुन ले हमारी इजीली, और लोन जो परसेंटेज थोड़ा कम हो जाए हम लोग के लिए, इंटरेस्ट रेट। मैडम आप क्या चाहती? मैं गीता सिंह सिंगरौली से हूँ। मैं चाहती हूँ कि हाउस लोन इजली मिल जाए, और रेंट फिर आती हूँ, और छोटा सा पार्लर है मैं उसको बढ़ाना चाहती हूँ, तो उसके लिए लोन मिल जाए, और बहुत सारे मेडिकल इशू होते हैं घर में, तो उसके लिए पैसे नहीं घर वालों को हो सकते हैं, तो ये आयुष्मान कार्ड वगैरह जो भी है इससे पैसा नहीं वो वहाँ पे होता है, कई जगह भटकना पड़ता है कि यहाँ पे आयुष्मान कार्ड चलेगा नहीं चलेगा, वहाँ डॉक्टर बोलता है नहीं यहाँ नहीं चलेगा, तो ये इसका भी सुविधा दिया जाए हर हॉस्पिटल में, चाहे सरकारी हो चाहे प्राइवेट हो। आयुष्मान कार्ड, महंगाई और जो काम नया करना चाहते हैं उसके लिए सबकी इच्छा है कि कुछ ना कुछ निर्मला सीतारमण लाए। भाई आप क्या चाहते हो सरकार से? सर, मैं ये चाहता हूँ कि बेरोजगार पढ़े लिखे बच्चे बेरोजगार घूम रहे हैं, तो उनको प्राइवेट जॉब प्रोवाइड कराया जाए, क्योंकि बच्चे बहुत परेशान हैं,
पढ़े लिखे हैं फिर भी बेरोजगार घूम रहे हैं। आपको ऐसा क्यों लगता है कि सबको जॉब करना चाहिए, ऐसा क्यों नहीं लगता कि लोगों को अब अपना एक रोजगार करना चाहिए जिससे कि बहुत सारे लोगों को आप रोजगार दे सकें? जी सर जी, क्या है अगर आपको अपना रोजगार करने मिले तो क्या करेंगे? मैं, मेरे को अपना रोजगार करने को मिले तो मैं अपना खुद का पार्लर खोलूंगा। जी, बहुत सभी की कुछ ना कुछ अपेक्षाएं हैं निर्मला सीतारमण वित्त मंत्री भारत सरकार से कि ये आने वाला बजट उनके लिए कुछ अच्छे संदेश लेकर आएगा। मैडम, सेंट्रल बजट आने वाला है, क्या चाहती हैं आप? सेंट्रल बजट से हमारी उम्मीदें यही हैं कि जो बजट मिनिस्टर हैं वो हमारे स्कूल्स के लिए, जैसे मैं एजुकेशन इंडस्ट्री से हूँ तो मुझे ये लगता है कि हाँ, अभी जो निजी संचालक हैं उनको बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं कि हर चीज़ महंगी भी होती जा रही है, तो थोड़े से जो इक्विपमेंट्स है वो तो सस्ते करवाए जाएं, साथ में इंडस्ट्रीज़ में कुछ ऐसा अमाउंट भी हमें मिले जो कि हमें आगे इस्टेब्लिश होने के लिए काम करे। अगर हमारे पास बैकबोन पैसे की नहीं है तो हमें इसके लिए अभी कोई लोन नहीं है, कोई कुछ भी नहीं है, तो ऐसी चीज़ें हमें मिले जो कि हमें हायर सेकेंडरी स्कूल तक ओपन करने के लिए सहायता दें। थैंक यू सो मच। सेंट्रल गवर्नमेंट से उम्मीद है कि स्कूल खोलने के लिए जरूर कुछ अनुदान मिले। मैडम, आप क्या चाहते हैं? बजट को लेकर हम लोग काफ़ी उत्साहित हैं क्योंकि पिछले जो भी बजट आए हैं वो हम लोगों के अनुकूल नहीं रहे हैं। जैसा कि आप देखते हैं राजनीतिक या उसमें 33% जो एक छूट आई है महिलाओं की, तो वो तो पद की बात हो गई, लेकिन ये छूट हमें व्यवसाय और व्यवसाय से रोजगार है, और जब व्यवसाय में हमें कुछ छूट और सहयोग सरकार से बजट में आता है, मिलता है, तब हम महिलाएँ जो भी उद्यमी हैं या शिक्षा विभाग में हैं, स्कूल चालक हैं, वो तभी कुछ कर पाएंगे। तो बेहतर ये है कि कुछ तो वो जो है वो आते हैं प्लान, बट यह सक्सेस अभी तक नहीं है। जैसे राष्ट्रीय शिक्षा नीति, नीति में बहुत सारे विषय है, बस विषय को सक्सेस करने के लिए हमें अच्छे शिक्षकों की नियुक्ति, और नियुक्ति गवर्नमेंट जो है सरकारी नियुक्ति जो है अस्थाई नियुक्ति नहीं कर रही है, और उसमें दो कारण है, जैसे कि अब सेंट्रल यूनिवर्सिटी होनी चाहिए, यह मांग भी है, बहुत पीछे से मांग है, पर जो भी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज अभी विश्वविद्यालय पूरे देश भर में या प्रदेश में हैं वो भी पूर्ण रूप से अभी संचालित नहीं है, कहीं ना कहीं जो है नियुक्तियां नहीं हैं, तो कहीं विषय के पूर्ण होने का अभाव है, तो बजट प्रॉपर होना चाहिए जिससे ये सब की जो कमियाँ हैं वो पूर्ण हों। उम्मीदें हैं कि शिक्षा विभाग को भी कुछ बेहतर मिलेगा। वीरेन शर्मा के साथ संजीव चौधरी, एनडीटीवी के लिए।